Good morning. Myself, Dr. Ranjana, consultant physician in Noble Multispeciality Hospital. Today, I am here to discuss a very grave and recent topic, that is dengue fever. Dengue fever, जो है हमारे इंडिया में most of the time जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के मंथ्स में होता है, mostly due to रेनी सीजन. रेनी सीजन्स में हमारे यहाँ मॉस्किटोज होते हैं और ये मोस्टली डेंगी जो है एक वायरल डिजीज़ है, वायरल फीवर है, जो कि हम मॉस्किटोज जो होते हैं उनसे फैलता है, जो कि पानी में पनपते हैं, गंदे पानी में, एडीज इजिप्टी नाम के मॉस्किटो से. और दिस मॉस्किटो ऑल्सो हैज़ हैबिट ऑफ बाइटिंग इन डे टाइम ऑल्सो. डे में भी ये मच्छर हमको काट सकते हैं, तो हमें मच्छरों से बच के रहना है ऐसे रेनी सीजन में. तो आइए जानते हैं डेंगू फीवर के और क्या क्या सिम्टम्स हैं, माइल्ड और सीवियर किस तरह से होता है, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे उनको पहचानना है और उनसे कैसे बचाव करना है. डेंगी फीवर मच्छर के काटने के 6 से 7 दिनों के बाद उसमें लक्षण हमें आने लगते हैं. जैसे अगर किसी में डेंगी वायरस चला जाता है मच्छर के काटने के बाद, तो डेंगी फीवर में पेशेंट को 1 हफ्ते के बाद फीवर आएगा, उल्टी होना, रैशेज आना, लाल लाल रैशेज आना बॉडी में, जॉइंट पेन, मसल पेन बहुत ज़्यादा, बॉडी एक होगा, हेडेक होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा, हेडेक, सीवियर हेडेक और रेट्रोऑर्बिटल पेन होगा. तो ये माइल्ड डेंगी के सिम्टम्स हैं, जो कि हम घर पे भी, जो भी सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से हम घर पे इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. जैसे कि अगर बुखार आया तो नॉर्मल हम एक पैरासीटामोल लेके एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, साथ में जॉइंट पेन के लिए हम पेन किलर ले सकते हैं, पानी खूब पीना है, ओरल जूस पीना है और लिक्विड अच्छे से लेना है, हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना है बेसिकली. तो माइल्ड फीवर इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अपने घर में. बट हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि डेंगी फीवर एक ऐसा, इट वर्सन्स विद इन आवर्स. पेशेंट को अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड एनी ब्लीडिंग, क्योंकि डेंगी में प्लेटलेट कम होते हैं और प्लेटलेट्स का काम होता है जहाँ से भी ब्लीडिंग होती है वहाँ जाके ब्लीडिंग को रोकना. तो अगर हमारी सिम्टम्स 6 से 7 दिन में ठीक नहीं होते हैं या पजेस्ट करते हैं या और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बुखार जैसे ठीक ही नहीं हो रहा है और नोजिया, वॉमिटिंग, पजेस्ट, बॉडी एक 7 दिन बाद दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होता है, प्लस इसके साथ में सीवियर एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग 3 से 4 बार अगर पर डे हो रही हैं, साथ में आपका बीपी फॉल हो रहा है, चक्कर, एकदम रेस्टलेसनेस, एकदम घबराहट होने लगती है बीपी फॉल होने के कारण, ये सब सिम्टम्स और ब्लीडिंग के साइंस जैसे कि वोमिटिंग में ब्लड आना, गम्स, ब्लीडिंग गम्स और स्टूल्स के थ्रू ब्लड जाना या फिर ब्लैक स्टूल्स जाना, ब्लैक टैरी स्टूल्स, अगर ये सब सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग वाले, तो इट इज़ अ वार्निंग साइन कि हमको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट होके ट्रीटमेंट लेना है. और फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपने प्लेटलेट्स देखना है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो भी रहता है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होता है सीवियरिटी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कब डॉक्टर को दिखाना है और कब नहीं दिखाना है, कब हम घर पे मैनेज कर सकते हैं, कब हमको अर्ली वार्निंग साइंस जो मैंने बताए हैं जाके हमको हॉस्पिटल में दिखाना ही है किसी कंसल्टेंट को. और एक कुछ हाई रिस्क होते हैं जैसे इन्फेंट्स हैं और कोई पेशेंट जिनमें ऑलरेडी डेंगू हो चुका है, और जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल्स, ये 3 लोग ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनमें बहुत जल्दी जो डेंगू के सिम्टम्स हैं बहुत जल्दी वर्सनिंग हो जाती है. तो ऐसे पेशेंट्स को कभी अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं करना है, जैसे ही कोई सिम्टम्स हो उन्हें तुरंत अपने कंसल्टेंट को या डॉक्टर को, नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना है. तो ये हमारे डेंगू का आज का टॉपिक. अच्छा लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को मैक्सिमम वोट्स और व्यूज़ दीजिए. थैंक यू.